तरंग जाने के बाद कुछ ना बिगड़ेगा तेरा। हरी शरण जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में सर झुक जाने के बाद कुछ न बिगड़े। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते, माया का एक सिंह बनाया, माया का एक सिंह बनाया, डाल के उसमें प्राण चले, लेने परीक्षा मोर ध्वज की, अर्जुन और भगवान चले, लेने परीक्षा मोर ध्वज की, अर्जुन और भगवान। बाबा कहाँ से आ रहे हो और क्या मांग रहे हो? अरे हम तो साधु महात्मा हैं, भ्रमण करते हुए आ रहे हैं। ये बताओ तुम कौन? हम महाराज के द्वारपाल हैं। अच्छा ये बताओ तुम्हारे महाराज का नाम क्या है? हमारे महाराज का नाम दुनिया जानती है, आप नहीं जानते? उनका नाम भक्त मोरत ध्वज है। तो जाओ और जाकर अपने महाराज को खबर कर दो कि द्वार पे दो साधु महात्मा आए हैं। महाराज उन्होंने मुझे कह रखा है आप मांगो मैं दे दूंगा। नहीं नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा। आटा लो चावल लो कम्बल लो दाल लो। क्या साधुओं से बहस करता? बाबा ये पिल्ला कौन सा देश का है? ये पिल्ला है, ये शेर है, शेर जंगल का राजा शेर है ये। क्या चाहिए महाराज जल्दी बताइए, जल्दी बताइए महाराज। इसलिए जा और जाकर अपने महाराज को खबर कर दे कि द्वार पे दो साधु महात्मा आए हैं। जा जाकर अपने राजा को भेज। नारायण नारायण नारायण। महाराज की जय हो। द्वारपाल क्या सूचना है? महाराज दो साधु महात्मा आए हैं, उनके साथ जंगल का राजा शेर भी आया है। अच्छा शेर भी है? हाँ महाराज शेर भी आया है, वो आपको बुला रहे हैं। मैंने बोला था उनसे कि आपको जो चाहिए मांगो मैं दे दूंगा, तो वो कहने लगे जा अपने महाराज को भेजने तो भस्म कर दूंगा तेरे लिए। हाँ चलो हम चलते हैं। लेन परीक्षा अर्जुन और भगवान चले, लेन परीक्षा मोर ध्वज की, अर्जुन और भगवान चले। प्रणाम महात्मा, खुश रहो खुश रहो। राजन प्रसन्न रहो। करो दंडवत कर जोर कर, पद पंकज धर शीश, बुलवाया मेरे तई कारण कौन मुनीश। प्रभु आपने मुझे बुलाया। सारी दुनिया तुझे दानी दानी कहे, दान लेने तेरे पास आए हैं हम। तू है दानी या मानी यह कैसे हो यकीन, क्योंकि दानी जगत में रहे बहुत कम। कर दया दान दिल खोल कर मांग लो। प्रभु आपने संकोच अश्व गज रथ मेरा संपूर्ण राज्य मांग लो, मुझे देने में कोई संकोच नहीं, चाहे तो मेरी कड़ी से कड़ी परीक्षा ले लो। कहने वाले हजारों देने वाला कोई नहीं, कहते तो बहुत कुछ लेकिन कोई कुछ देता नहीं। मैं दानी हूँ दान दो, अभी आपको यकीन कराता हूँ। अभी मेरे गुरु की कसम, माँ भगवती की कसम और कसम तात माता की खाता हूँ मैं। अब न देरी करो
निज मनोरथ कहो आपके चरणों में सिर को झुकाता हूँ मैं। मांग लो दिल खोल मांग लो अपने घर पे गंगा उठाता हूँ मैं। महाराज आपकी प्रतिज्ञा से मुझे विश्वास हुआ कि आप मुझे दान देने में कोई कंजूसी नहीं करेंगे। सुजाजन महाराज हम प्रबल भूख के मारे हैं और हमसे भी ज्यादा हमारा शेर भूखा है, तो तुम और तुम्हारी पत्नी हाथ मियाँ उठाओ अपने पुत्र को चीरो और शेर के आगे डाल दो। राजन देरी ना करो, पहले शेर को भोजन करवाओ फिर हम भी भोजन कर लेंगे। भोजन खिलाना है राजा, पहले सिंह को भोजन दो राजा। हाँ नर बच्ची है शेर हमारा, नर का मांस ही दो राजा, नर का मांस ही दो राजा। कर सुत कटने विचार कीजिए, इतने छोटे बच्चे से इस शेर का पेट कैसे भरेगा। अगर आप कहें तो यह शेर मनुष्य के मांस को भूखा है, तो मैं स्वयं खड़ा हूँ, आप खिला दो इन्हें। तीन वचन किस लिए तुमने मुझे दिया? तीन वचन दे किस लिए रहा सभा का फेर, दानी के ही पुत्र का भोजन करता शेर। दानी के ही पुत्र का भोजन करेगा शेर, तुमने हमको वचन दिया। महाराज हम लोग यहाँ से भूखे चले जाएंगे। महाराज मुझे थोड़ा सोचने का समय दीजिए। साधु सत सुत दोने को मांगे चुके दिल खोल, अरे सुत हारू या सत तजो ये दोनों वस्तु अमूल। सत हारू तो सारा हमारा धर्म जाएगा, सुत तजाऊं तो महल मेरा उजड़ जाएगा। अच्छा यही रहेगा कि सत को रखूं, सुत और भी आ जाएगा। महाराज को उदासी का प्रणाम। ये आपके चेहरे पर उदासी कैसी है, बताइए प्राणनाथ क्या बात है? प्रिय क्या बताऊं प्रिय, दो भिखारी आए दरबार में भूखे और उन्होंने अपने साथ एक भूखा शेर भी लेकर आए, और उन्होंने अपने शेर को खिलाने के लिए तुम्हारा बेटा मांग लिया। मैं तो दे ही चुका, बस तुमसे सलाह लेने आया हूँ। बस मुझे यही बात का डर है कि तुम क्या कहोगी। आप तो मालिक हैं तन धन और धन धाम के, चाहे दे दो चाहे मुझको गुजर ही नहीं। रानी मैं तीन वचन दे चुका हूँ, अगर सूत को नहीं दिए तो वह तीनों प्राणी भूखे चले जाएंगे हमारे दरवाजे से। महाराज आप महात्मा को निराश होकर दरवाजे से न जाने दें। बहुत अहोभाग्य हूँ मैं जो तुम जैसी नारी पाई, तुमने मेरा सारा सत्य और धर्म को बचा लिया। अब सत्य रखना या न रखना हमारे लाल के हाथ में है, चलो लाल से पूछें। माता जी प्रणाम, पिताजी प्रणाम। बेटा ताम्रध्वज दो महात्मा द्वार पर आए और उन्होंने बोला कि अपने बेटे को चीर कर सिंह के आगे डाल दो। माँ मेरे जैसा सौभाग्यशाली और कौन होगा जो मात पिता के सत्य और धर्म को बचाने के लिए अपने आप को निछावर कर दे। धन धन तुम्हारी माता को, धन धन बेटा तुम। जो आज्ञा कर राजा ने सुत पर आरा फेर दिया, अपने लाल के टुकड़े कर सर शेर
अपने लाल के टुकड़े कर और सिर के आगे घेर दिया। आंख से आंसू न निकले मन में अनेक सवाल चले। अर्जुन और भगवान चले लेन परीक्षा, अर्जुन के संग श्री भगवान चले। सब मिल करके खाएंगे, सब मिल करके खाएंगे, दे करके आवाज बनाओ। अब हम सब भोजन खाएंगे, भोजन पांच थाल सजवा लो, भोजन पांच थाल सजवा लो। अपने पुत्र बुला लो तुम, अपने पुत्र बुला लो। प्रिय शेर का पेट भर गया, अब महात्माओं के लिए भोजन लेकर के आओ। आज आप जब तक महात्माओं को जल पिलाइए तब तक मैं भोजन तैयार कर रही हूँ। सुध तो चला गया लेकिन सत्य नहीं जाना चाहिए। हाँ कहो राजन, हमने जो कहा वो किया। जी महाराज, आपके शेर का पेट भर गया और आप अब बैठिए भोजन पाइए। राजन पांच पत्तले लगाओ। पांच पत्तले कैसे महाराज? तीन तुम और दो हम, पांच हुए कि नहीं? महाराज हम तो दो ही प्राणी हैं। राजन झूठ बोल रहा है। महाराज हम आपके समक्ष खड़े हैं, हम तो दो ही प्राणी हैं। हे झूठा राजा, हम तेरे द्वार में भोजन नहीं करेंगे। चलो रामदास। महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, तुम झूठे हो। चले राजा हो हैरान चले, नाम रहेगा रोशन जग में जब तक चांद सितारे हम से वक्त सब सतगुरु जी के वह गुरुदेव हमारे, वह गुरुदेव हमारे। महात्मन हमने तो आपके सामने चीर कर डाल दिया, आप ये क्या कर रहे हैं? अब बेटा कहाँ? आवाज तो लगा कर देखो राजन। किसको आवाज लगाऊं? आवाज लगाओ बेटा ताम्रध्वज, बेटा कहाँ हो तुम? क्या हुआ पिताजी, क्या हुआ पिताजी? मेरे लाल, मेरे बेटे ठीक तो हो ना? कोई चोट तो नहीं लगा? प्रणाम। तुम्हारा सत्य पूरा हुआ राजन, तुम जो वरदान मांगना चाहते हो मांग सकते हो। क्या मांगू भगवान आपसे? आप हो दीन दयाल, आपकी भक्ति बनी रहे, बस यही वरदान दीजिए प्रभु। अगर आप मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हैं
तो मुझे यह वरदान दीजिए कि आगे कलयुग में ऐसी परीक्षा किसी भी भक्तों से नहीं ली जाए, क्योंकि कलयुग में भक्त ऐसे ही कम होंगे। राजन, कुछ और भी मांग, और अगर नहीं मांगता है तो मैं अपनी तरफ से देता हूँ। राजन, कलयुग में समस्त पापों को काटने वाली एक कथा होगी, जिसका नाम सत्यनारायण की कथा होगी, जिसके अंतर्गत तेरा भी नाम होगा। और राजन सुन, तेरे जैसे सत्यवादियों के कारण ही मुझे इस मृत्यु लोक में जन्म लेकर आना पड़ता है और अपने भक्तों का मान बढ़ाना पड़ता है। मित्र अर्जुन की बातों में आकर तुम प्यारों को मिथा ही सताना पड़ा, तेरे द्वार पर बनकर संत आना पड़ा, भूख भूखा भिखारी कहाना पड़ा, सारा अभिमान मित्र अर्जुन का घटाना पड़ा, संत तुम्हें ये अपना निभाना पड़ा। महाराज मूरत ध्वज की, सत्यवादी महाराज मूरत ध्वज की जय। अभी अभी आप लोग देखे राधा माधव गुरुकुल के विद्यार्थियों के द्वारा अर्जुन के मन में अभिमान हो गया कि हे प्रभु, हे कन्हैया, मेरे जैसा आपका कोई दूसरा भक्त नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मैं को अहंकार को तोड़ने के लिए संत का भेष धारण किए और दिखाए कि चलो देखो हमारा भक्त मूरत ध्वज कैसा है, जो कि अपने पुत्र को आरा से चीर करके और एक जीव को यानी कि सिंह को पेट भरने के लिए तैयार है। आप लोगों के सामने ये बच्चों के द्वारा ये कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ, कैसा लगा? आप लोग ताली बजा करके उत्साह वर्धन कीजिए। बोलिए प्रेम से, सत्यवादी महाराज मूरत ध्वज की जय, राधा माधव भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। कलयुग है, इस कलयुग में ऐसी कठिन परीक्षा आप दोबारा किसी से मत लीजिएगा, क्योंकि द्वापर का अंत होने वाला था, उस समय तुरंत कलयुग आने वाला था। तो आने वाला कलयुग है, इस कलयुग में कोई ऐसा भक्त नहीं होगा जो कि इतनी कठिन से कठिन परीक्षा दे सके। तो अब ऐसी कठिन परीक्षा भगवान अपने भक्तों को न ले। बोलिए प्रेम से, श्री सत्यनारायण भगवान।